हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक। क्लास टेंथ में एरोबिक एंड एरोबिक जो आपका टॉपिक आता है, ये रेस्पिरेशन का एक्चुअल में पार्ट होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। देखिए, एरोबिक और एनएरोबिक से ना क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्लास टेंथ में कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं आप लिखिए। एक्चुअल में मैंने बताया था कि प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चंस में ये भी आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चंस भी एक तरीके का हो जाएगा तो मैं करा लूं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंसेस क्या होंगे। पहला जो हमारा पॉइंट है एरोबिक में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जो एरोबिक है ना, ये क्या है, रेस्पिरेशन का एक टाइप है। यानी रेस्पिरेशन में मोस्टली क्या हो रहा था कि बॉडी में जो भी आपके एनर्जी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसी का प्रोसेस है रेस्पिरेशन। वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी तभी ये क्या होगा, ग्लूकोज के कॉन्टैक्ट में आके और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बट आपका एन एरोबिक क्या होता है, इसमें देखिए ऑक्सीजन मोस्टली अब्सेंस आप देखेंगे किसका पॉइंट आता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट एन एरोबिक में जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बोला जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन होती है बट वहां पर ऑक्सीजन मतलब बहुत कम होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम टोटली चलिए हम बोल सकते हैं अब्सेंस कब होता है, जब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और आपका लैक्टिक एसिड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप ये ज्यादा डेफिनेशन आपका सही होगा कि अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की तो एक तो अब्सेंट भी होती है और साथ में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप सिर्फ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सेकंड जो पॉइंट है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, ये कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैसे होता है, तो यहां पर देखिए क्या होता है कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, राइट, तो ग्लूकोज क्या होता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म की वजह से। अब ये जो पाइरुवेट होता है, ये क्या देखता है कि भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। वैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हम कह सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, इन एनएरोबिक इट ऑकर्स ओनली साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ओनली साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही आपका होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड इज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जो आपका एंड प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, ठीक है। और आपके एनएरोबिक में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड इथाइल अल्कोहल और आपका लैक्टिक एसिड भी बनता है, किसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ रहा था वो कंप्लीटली टूट जाता है। अब देखिए, जब ग्लूकोज आपका कंप्लीटली टूट जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी का जो फॉर्मेशन होगा ना, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही था, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज क्या होगा, प्रॉपर तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में टूटेगा और यहाँ पर एनर्जी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, बिकॉज ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है। बात वही था, बस यहाँ पर ये आपका एड था कि मोर एनर्जी फॉर्म्ड, राइट। अब बात करते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर बात की जाए तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, यहाँ पर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ रहता है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं टूटता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आपका लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ पर एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर एनर्जी आपकी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से टूट रहा था। तो आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। और अच्छे से और डिटेल्स अगर आपको समझना है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप जाके वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में कम्प्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ में ही 5 ईयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो भी मैंने वहां पर बताया है, तो आप वहां से वो सॉल्व कर सकते हैं।